आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। टीएल बैठक में कलेक्टर ने की समय सीमा प्रकरणों की समीक्षा, सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों का त्वरित निराकरण करने के निर्देश। कलेक्टर श्री कर्मवीर शर्मा की अध्यक्षता में टीएल बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में कलेक्टर द्वारा समय सीमा संबंधी प्रकरणों के विस्तार से समीक्षा की गई और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में अपर कलेक्टर श्री जेएस बघेल, श्रीमती लक्ष्मी गांभर, संयुक्त कलेक्टर श्रीमती हिमलता सोलंकी, डिप्टी कलेक्टर सुश्री पूर्वा मंडलोई, सभी एसडीएम और सभी विभागों के अधिकारी मौजूद थे। बैठक में कलेक्टर श्री शर्मा ने बताया कि आगामी 10 फरवरी से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भगवानपुरा में विशाल स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाना है। इस शिविर के लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को सभी आवश्यक तैयारियां करने के निर्देश दे दिए गए। भगवानपुरा के इस शिविर में इंदौर के वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा मरीजों को जांच उपचार दिया जाएगा। महिला और बाल विकास विभाग, जनजाति कार्य विभाग तथा ग्रामीण विकास विभाग को इस स्वास्थ्य शिविर में अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित कराने के निर्देश दिए गए। अभ्युदय प्रोजेक्ट से रखी जाएगी निगरानी। कलेक्टर श्री शर्मा ने बैठक में सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि अपने विभाग के हितग्राही मूलक योजनाओं की सतत मॉनिटरिंग करें, अपने विभागीय मैदानी अमले के माध्यम से योजनाओं के क्रियान्वयन पर कड़ी निगरानी रखें। इसके लिए मैदानी अमले की साप्ताहिक समीक्षा बैठक ब्लॉक स्तर पर आयोजित करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर श्री शर्मा ने बताया कि जिले के आकांक्षी ब्लॉक भगवानपुरा और झिरनिया में भारत सरकार की उच्च प्राथमिकता वाली योजनाओं और राज्य सरकार के हितग्राही मूलक योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर अभ्युदय प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट में ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर भी टीम बनाकर योजनाओं के क्रियान्वयन पर नजर रखी जाएगी। उन्होंने इन योजनाओं के क्रियान्वयन में अधिक से अधिक जनभागीदारी सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया। मोबाइल सॉफ्टवेयर के माध्यम से छात्रावासों का होगा निरीक्षण। कलेक्टर श्री शर्मा ने बैठक में बताया कि जिले में संचालित छात्रावासों की व्यवस्थाओं पर निगरानी रखने के लिए सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है। जिले में संचालित 190 छात्रावासों के नियमित रूप से निरीक्षण के लिए अलग अलग अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। उन्होंने निरीक्षण के दौरान मौके पर जाकर अपने मोबाइल के माध्यम से सॉफ्टवेयर में निरीक्षण में पाई गई सारी जानकारी भरनी होगी। इस जानकारी के आधार पर जिला स्तर से कार्रवाई होगी। खरगोन से ब्यूरो रिपोर्ट।